इसमें सबसे मेन में जो आपको बताऊं क्या है वो डाइट है। लोग समझते हैं मैं वर्जिश करूंगा तो मैं अपनी बॉडी चेंज कर लूंगा, लेकिन अगर आपका डाइट सही नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। कितनी भी आप कसरत कर लीजिए, डाइट इज नंबर वन। 50% इज डाइट, 25% इज वर्कआउट एंड 25% इज रेस्ट। आपकी बॉडी को आप रेस्ट दीजिए, आप सोइए 8 घंटा पूरा। जब तक आप वो नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में वो तब्दीली नहीं आएगी, वो चेंज बॉडी आपकी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। डाइट में क्या है, लोग अलग अलग डाइट्स फॉलो करते हैं। कोई रात को चावल नहीं खाता, कोई कम खाता है भूखा रह जाता है, कोई हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करता है। मैं ये सब नहीं करता हूँ। जो पुराना ओल्ड फैशन तरीका है कैलोरी काउंट का, मैं उसको, कैलोरी जो है अगर आप 1500 खा रहे हैं तो वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। वो पूरा का पूरा फैट नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा प्रोटीन नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होना चाहिए। उसमें फाइबर की भी ज़रूरत है, सोडियम की भी ज़रूरत है। तो बैलेंस डाइट वो होता है, आमतौर पर हम मानते हैं कि आप कैलोरी का 20% आप फैट से लो, मतलब तेल आप लो। ऐसे कुछ लोग बिल्कुल तेल नहीं खाते, तो तेल भी फैट भी ज़रूरी है। अच्छा फैट, हेल्दी फैट, 20% ऑफ कैलोरीज हेल्दी फैट, 30% ऑफ कैलोरीज प्रोटीन एंड 50% ऑफ कैलोरी कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत सारे लोग कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते, उनको लगता है वज़न बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट्स से आपको एनर्जी मिलती है मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए, आपके ब्रेन